10 अप्रैल 1988, 10 बजने में अभी कुछ मिनट बाकी थे और ये पाकिस्तान में इतवार का दिन एक वर्किंग डे था। बाकी दुनिया की तरह पाकिस्तान में संडे की छुट्टी नहीं होती थी। 1977 में जनरल जियाउल हक ने छुट्टी का दिन इतवार से बदलकर शुक्रवार कर दिया था। पाकिस्तान के बाकी शहरों की तरह रावलपिंडी के लोग भी अभी अपना दिन शुरू कर ही रहे थे। दुकानदार अपने घरों से दुकानों के लिए निकल रहे थे, नौकरीशुदा लोग अपने ऑफिसेस के लिए और बच्चे अपने कंधों पर बस्ते टांगे स्कूलों में पहुंच चुके थे। सड़कों पर आवाजाही और गहमा गहमी सूरज चढ़ने के साथ साथ बढ़ती जा रही थी कि अचानक रावलपिंडी के लोगों को एक जोर का धमाका सुनाई देता है। इस्लामाबाद की दिशा में एक जगह के ऊपर धुएं का विशाल काय गुबार सा बनना शुरू हो जाता है और चंद सेकंड बाद आसमान से रॉकेट और मिसाइलों की बारिश शुरू हो जाती है। ये रॉकेट और मिसाइलें रावलपिंडी और इस्लामाबाद के घरों, दुकानों और सड़कों पर जा जाकर गिरने लगते हैं, लेकिन इनमें से ज्यादातर रॉकेट फटते नहीं हैं। नियमित अंतराल पर इन धमाकों की आवाज उस जगह से आती रहती है और ये सिलसिला शाम तक ऐसे ही चलता रहता है। दोनों ही शहरों के लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आता कि आखिर ये हो क्या रहा है। चारों तरफ एक त्राही त्राही सी मच जाती है। हर तरफ लोग अपनी जान बचाने के लिए भागते हुए नजर आते हैं। किसी को कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन अगले दिन लोगों को पता चलता है कि रावलपिंडी के ओजड़ी कैंप के मिलिट्री डिपो में ये धमाका हुआ था। कुछ लोग ये कहते हुए नजर आते हैं कि भारत ने पाकिस्तान के ऊपर हमला किया था, तो वहीं कुछ लोगों का ये मानना था कि अफगानिस्तान से जाते जाते रशिया का ये पाकिस्तान को एक तोहफा था। लेकिन आखिर सच्चाई क्या थी? ये इंडिया का किया धरा था या फिर रशिया का, या फिर इस साजिश को घर के अंदर ही रचा गया था? यदि हाँ तो क्यों? क्यों करोड़ों रुपए के हथियारों को बर्बाद और अपने ही मासूम सिविलियंस को इस तरह मारा गया था? दोस्तों, जय मां भारती। पाकिस्तान से आए ऑफिशियल आंकड़ों के अनुसार ओजड़ी कैंप के इस धमाके के कारण टोटल 75 लोग मारे गए, जबकि 850 घायल हुए। पाकिस्तान के उस समय के जस्टिस मिनिस्टर वसीम सज्जाद प्रेस को बताते हैं कि ये धमाका एक दुर्घटना का नतीजा था। कैंप में एक हथियारों से भरे ट्रक में एक हादसा होता है जिस कारण आग लग जाती है और ये धमाका होता है। उनके अनुसार ये मरने वाले 75 के 75 लोग सिविलियंस थे। वसीम सज्जाद प्रेस को ये नहीं बताते कि इस हादसे में कितने फौजी मारे गए हैं और उनके दिए गए आंकड़ों के ऊपर प्रेस भी कई सवाल उठाती है। अनऑफिशियल आंकड़ों के अनुसार इस हादसे की वजह से 75 नहीं बल्कि हजारों लोग इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मारे गए थे। इस हादसे में मरने वालों में पाकिस्तान के केंद्रीय मंत्री भी शामिल थे, जिनका नाम था खाकान अब्बासी। खाकान अब्बासी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री रहे शाहिद खाकान अब्बासी के पिता थे। 10 अप्रैल 1988 की उस सुबह वो अपनी गाड़ी में अपने होम टाउन मरी जा रहे थे कि तभी ओजड़ी कैंप से निकली एक मिसाइल उनकी गाड़ी से आकर टकरा जाती है। फ्यूज्ड ना होने के कारण ये मिसाइल फटती तो नहीं है, लेकिन इसकी वजह से हुई दुर्घटना में अब्बासी की मृत्यु हो जाती है। उनके साथ ही सफर कर रहे उनके बेटे जाहिद खाकान अब्बासी को भी सर में गंभीर चोटें आती हैं और 14 साल तक कोमा में रहने के बाद 2005 में उनकी भी मृत्यु हो जाती है। 1988 का ये वो समय था जब पाकिस्तान और अमेरिका ने अफगान मुजाहिदीन की मदद से रशिया को लगभग हरा दिया था। रशिया का अफगानिस्तान छोड़कर जाना तय हो चुका था। जनरल जियाउल हक ने पाकिस्तान की डोर अपने हाथों में संभाली हुई थी। अफगानिस्तान में रशिया से लड़ने के लिए ISI ने अफगानिस्तान ब्यूरो बनाया था, जिसका हेडक्वार्टर रावलपिंडी के इसी ओजड़ी कैंप में स्थापित किया गया था। 80 के दशक में ये ब्यूरो अमेरिका के पैसे से 80,000 से ज्यादा मुजाहिदीन को ट्रेनिंग देकर अफगानिस्तान भेज चुका था। एजुकेशनल और एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग्स के अलावा 80 एकड़ के इस कैंप में 500 फौजियों के लिए एक मेस हॉल, 300 गाड़ियां खड़ी करने के लिए कई गराजेज, ट्रेनिंग साइट और साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का एक स्कूल था। 1986 में इस कैंप के अंदर जमीन से हवा में वार करने वाले अमेरिकन स्टिंगर रॉकेट्स की ट्रेनिंग के लिए भी एक फैसिलिटी बनाई गई थी। लेकिन इन सबसे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह थी कि अफगानिस्तान जाने वाले सारे हथियारों और गोला बारूद में से 70% इसी ओजड़ी कैंप में रखे जाते थे। 1986 में काबुल में छपे एक व्हाइट पेपर के अनुसार पाकिस्तान में कुल 16 वेपन्स डिपो और मिलिट्री इक्विपमेंट के लिए 67 कैंप्स थे।
इतने बड़े पैमाने पर हथियारों, गोला बारूद और उपकरणों के लॉजिस्टिक्स को संभालना, मैनेज करना एक बहुत ही मुश्किल काम था, जिसके लिए बहुत ज्यादा जिम्मेदारी और ईमानदारी की आवश्यकता थी। लेकिन बात जब ईमानदारी की आती थी तो यहीं पर ISI में काफी समय से प्रॉब्लम्स चल रही थी। ISI के एक ब्रिगेडियर मोहम्मद यूसुफ अक्टूबर 1983 में अफगानिस्तान ब्यूरो के डायरेक्टर बने और उन्होंने ही अमेरिका, चाइना और इजिप्ट से आने वाले हथियारों और पैसे को अफगानिस्तान भेजने के लिए अपना खुद का एक लॉजिस्टिक्स नेटवर्क बनाया। इस पैसे में से कुछ पैसा तो गायब हुआ ही, लेकिन इसके साथ साथ 40% के आसपास हथियार कभी पाकिस्तान के बाहर गए ही नहीं। 1986 में CIA राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन को दी गई अपनी रिपोर्ट में कहती है, अफगानिस्तान में जाने वाला अमेरिका का पैसा बाकी के सारे कोवर्ट ऑपरेशंस के मुकाबले कहीं ज्यादा है। 1979 से लेकर अब तक टोटल $1 बिलियन गुप्त तरीके से अफगान विद्रोहियों के लिए पाकिस्तान को दिया जा चुका है, लेकिन इसमें से 30% से ज्यादा पैसा पाकिस्तान छोड़कर कभी बाहर गया ही नहीं, कभी भी अफगान विद्रोहियों तक पहुँचा ही नहीं। अफगानिस्तान युद्ध की शुरुआत में हथियार और गोला बारूद अफगानिस्तान में मौजूद 300 विद्रोही संगठनों को सीधा दिए जाते थे, लेकिन 1984 में ब्रिगेडियर यूसुफ ने इस अरेंजमेंट को बदलने का फैसला किया। अफगानिस्तान के विद्रोही फाइटर्स के ऊपर अपना और ज्यादा कंट्रोल और प्रभाव जमाने के लिए ब्रिगेडियर यूसुफ ने यह फैसला लिया कि केवल उन्हीं 7 पार्टियों के कमांडर्स को हथियार दिए जाएंगे जिन 7 पार्टियों को ISI ने खड़ा किया है। इसी के चलते हर मुजाहिदीन कमांडर को ना चाहते हुए भी अपने आप को इन 7 पार्टियों में से किसी एक के साथ जोड़ना पड़ा। 1987 में आई प्रेस रिपोर्ट्स के अनुसार ऐसी ही पार्टी के कमांडर ने ISI से मिले हथियारों को बेच बेच कर अपना अच्छा खासा मोटा बैंक बैलेंस और दुबई में करोड़ों की प्रॉपर्टी बना ली थी। ऐसी ही एक पार्टी ने अमेरिकन रॉकेट से भरे 6 ट्रक्स ईरान को बेच दिए थे। इस पैसे का एक अच्छा खासा मोटा हिस्सा ISI के पास भी जा रहा था और अफगानिस्तान की इन पार्टियों के कमांडर्स के साथ साथ ISI के कर्नल, ब्रिगेडियर्स और जनरल्स भी करोड़पति बन रहे थे। ISI में चल रहे इस हथियारों के करप्शन की इंटेलिजेंस नियमित रूप से CIA द्वारा राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन को दी जा रही थी, पर आखिरकार पानी को सर के ऊपर जाता देख 1987 में रोनाल्ड रीगन ने जनरल जियाउल हक के ऊपर इस भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए दबाव बनाना शुरू कर ही दिया। अमेरिका के राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन जानते थे कि जनरल जियाउल हक खुद भी इस करप्शन से अछूते नहीं हैं और अफगानिस्तान युद्ध के दौरान उन्होंने भी बड़ी मात्रा में धन और संपत्ति बना ली है। अफगानिस्तान युद्ध की शुरुआत में जो CIA अपनी इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स में जियाउल हक की तारीफों के पुल बांधते नहीं थकती थी, अब वही CIA अपनी रिपोर्ट्स में जियाउल हक के ऊपर करप्शन के इल्जाम लगा रही थी। उधर जियाउल हक भी अपनी अफगानिस्तान की इस जीत को खट्टा करना नहीं चाहते थे और मार्च 1987 में वो ISI के डायरेक्टर लेफ्टिनेंट जनरल अख्तर अब्दुल रहमान को प्रमोशन देकर 4-स्टार जनरल बना देते हैं और ऐसी जगह उनका ट्रांसफर कर देते हैं जहां पावर और अथॉरिटी के नाम पर कुछ भी नहीं था। असल में जियाउल हक ने सोचा था कि वो ISI के चीफ को हटाकर अमेरिका से आने वाले इस करप्शन के दबाव को कम कर देंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता क्योंकि यहाँ पर करप्शन किसी एक आदमी में नहीं बल्कि मुजाहिदीन को हथियार बांटने के लिए जो नेटवर्क बनाया गया था उसमें था। इस सप्लाई चेन को करप्शन करने के लिए ही डिजाइन किया गया था और इसको डिजाइन करने वाले थे ब्रिगेडियर मोहम्मद यूसुफ। ब्रिगेडियर यूसुफ अफगानिस्तान ब्यूरो के डायरेक्टर थे, जिसका मतलब था कि 80 एकड़ में फैला ओजड़ी कैंप पूरी तरह उनके कंट्रोल में था। ब्रिगेडियर यूसुफ की मर्जी के बिना एक पंछी भी ओजड़ी कैंप में पर नहीं मार सकता था और अफगानिस्तान जाने वाले कुल हथियारों में से 70% यहीं रखे जाते थे। इसलिए 1987 के अंत में CIA के दबाव के चलते ब्रिगेडियर यूसुफ को भी ISI से रिटायरमेंट लेने पर मजबूर कर दिया जाता है। 1987 में अख्तर के जाने के बाद ISI की कमान सौंपी जाती है मेजर जनरल हामिद गुल को और उनके ISI का DG बनने के कुछ दिन बाद ही ओजड़ी कैंप का हादसा हो जाता है। पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस और उस वक्त के प्रधानमंत्री मोहम्मद खान जुनेजो, जिनको खुद जियाउल हक ने प्रधानमंत्री बनाया था, वो आर्मी के ऊपर उंगलियां उठाना शुरू कर देते हैं और आर्मी ISI के ऊपर।
लेफ्टिनेंट जनरल इमरानुल्ला खान के नेतृत्व में ओजड़ी के ऊपर एक इंक्वायरी कमीशन बना दी जाती है और आईएसआई के पूर्व चीफ अख्तर रहमान को भी सवालों के जवाब देने के लिए बुलाया जाता है। लेकिन जब उनसे पूछा जाता है कि एक अनसेफ लोकेशन होने के बावजूद भी उन्होंने ओजड़ी कैंप को ही इस डिपो के लिए क्यों चुना, तो उनके पास कोई जवाब नहीं होता। जियाउल हक को अच्छे से पता था कि ओजड़ी कैंप में पिछले 7 सालों से क्या चल रहा है। वो खुद कई बार इस कैंप का दौरा कर चुके थे और इसलिए अब उनके पास भी अख्तर रहमान का साथ देने के अलावा और कोई चारा नहीं था। इसी के चलते मई 1988 में जियाउल हक प्रधानमंत्री जुनेजो को डिसमिस कर देते हैं। अप्रैल 1988 के अंत में CIA ओजड़ी कैंप का इंस्पेक्शन करना चाहती थी। वो हथियारों के लॉग्स और सारे कागजी रिकॉर्ड्स का डिटेल्ड इंस्पेक्शन करने का मन बना चुकी थी। जियाउल हक को अच्छे से पता था कि यदि ऐसा हुआ तो ओजड़ी कैंप में पिछले 7 सालों से चल रहा हथियारों का करप्शन बाहर आ जाएगा। वो हथियार जो उन्हें अमेरिका, चाइना और इजिप्ट से अफगानिस्तान के नाम पर मिल रहे थे, कैसे उन हथियारों को बेच कर खुद जियाउल हक समेत ISI के कई जनरल करोड़पति बन गए, ये बात पाकिस्तान की जनता के सामने आ जाएगी। और जियाउल हक ऐसा नहीं होने दे सकते थे। CIA के इंस्पेक्शन से केवल कुछ ही दिन पहले 10 अप्रैल 1988 को ओजड़ी कैंप में आग लग जाती है। इस आग में हथियारों के साथ साथ हथियारों के सारे लॉग्स और कागजी रिकॉर्ड्स भी जलकर पूरी तरह नष्ट हो गए, एक भी कागज नहीं बचा। इस हादसे के कुछ दिन बाद CIA की एक टीम ओजड़ी कैंप का दौरा करती है, लेकिन उनको वहां पर राख के अलावा और कुछ नहीं मिलता। कुछ दिन वहां बिताने के बाद हताश होकर वो अमेरिका वापस लौट जाती है और जियाउल हक द्वारा बनाए गए इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट का इंतजार आज भी पाकिस्तान की जनता कर रही है। खास तौर पर रावलपिंडी और इस्लामाबाद के वो लोग जिन्होंने उस दिन अपने रिश्तेदारों को खोया था, अपने प्रियजनों को खोया था, अपने परिवार के लोगों को खोया था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। जल्दी मिलेंगे एस्पियोनाज स्टोरीज के एक और रोचक एपिसोड के साथ, एक और रोचक कहानी के साथ। जय मां भारती, जय हिंद।